please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है उत्कर्ष। तीन घंटे तक पूछताछ हुई और शाम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपनी एसआईटी को। बिल्कुल नवजोत, देखिए कहीं ना कहीं एसआईटी के ऊपर भी एक ये प्रेशर है कि उनको आज ही रिपोर्ट देनी है, क्योंकि कल जब इस बारे में सवाल पूछा गया था तब ये कहा गया था कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के सख्त तेवर हैं इस पूरे मामले में और वो चाहते हैं कि जो पूरी की पूरी जांच हो और जो सच हो वो जल्द से जल्द सामने आए। इसलिए एसआईटी ने तीन घंटे तक पीड़ित परिवार से पूछताछ की है और नाव पुलिस से कई सारे साक्ष्य और सबूत मांगे गए हैं पिछले एक साल में जो भी घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि केवल और केवल एक मौत का मामला नहीं है, जो रेप का आरोप है वहां से लेकर ये जो मौत हुई है जुडिशियल कस्टडी में वहां तक के तमाम मामलों की जांच एसआईटी को करनी है। आज अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी होम डिपार्टमेंट को, गृह विभाग को देगी और गृह विभाग इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजेगा, लेकिन एसआईटी की जांच जो है इसके बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट भी एसआईटी को इस पूरे मामले पे अपनी सबमिट करनी है। जाहिर सी बात है क्योंकि आज जो रिपोर्ट होगी वो प्राथमिक रिपोर्ट होगी। नजर बना रहे कि लौटेंगे आपके पास। तो नाव रेप केस में पीड़ित के पिता की मौत से पहले का बयान सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव वीडियो में पीड़ित का पिता अपना आखिरी बयान दे रहा है और वीडियो में पीड़ित का पिता विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के दो भाइयों का नाम ले रहा है। उनको किस दिन विधायक के भाई ने मारा मरवाया पुलिस ने, अपने पुलिस भाई ही मारते हैं, पुलिस ने भजाया नहीं उनको, बहुत बड़ा विरोध कर रहा था सब। भाई ने मारा कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो उसे एसपी गोली मारा था। और रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी यूपी के डीजीपी ओपी सिंह से मिली और उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि मामले में आरोप लगाने वाली लड़की का नाको टेस्ट होना चाहिए और पुलिस चाहे तो उनके पति का भी नाको टेस्ट करवा सकती है। पति को निर्दोष बताते हुए कुलदीप सेंगर की पत्नी ने कहा कि वो पूरे मामले से मानसिक रूप से परेशान है। और एक वो महिला जिनके जिनको बता रहे हैं कि ये लड़की विधायक जी के पास लड़की को लेके गए थे, वो लोग थे, पूरा परिवार था उनका, सब लोग गए थे मिलने। डीजीपी से ही हम लोग बात किए, इसमें निष्पक्ष आप जांच कराइए, अगर जरूरत पड़ती है आप लड़की का, लड़की के चाचा का, विधायक जी का सबका नार्को टेस्ट कराइए, सीबीआई जांच करिए। उनके जो मरा है उस व्यक्ति के ऊपर 17-18 मुकदमे हैं, जो उसका चाचा है उसके ऊपर 26-27 मुकदमे हैं, यहाँ से भागे हुए हैं, मतलब घर छोड़ करके जिस स्थिति में वहाँ पे आए, गांव पे झगड़ा हुआ, कट्टे लगे, किसी के ऊपर फायर किए, फायर मिस हो गया, उसके बाद लोगों ने दौड़ा के उनको पीटा, उसके लेके विधायक के घर पे आए, विधायक के यहाँ कोई था नहीं, उनके भाई थे, उन्होंने कहा कि पुलिस को बुला करके किसको ले जाओ, कार्रवाई करो, और उसके बाद ले जा करके एक झापा उन्हें मारा कि साले गोली चलाते हो, अभी मर जाता आदमी तब क्या होता, इतना ही खाली उनका दोस्त था, ले जा करके कि जा कार्रवाई करो, थाने ले गए, दफा 25 में जो उनके पास कट्टा बरामद हुआ उसको चालान कराया गया। अगर उसकी तबीयत खराब थी, अगर वो बीमार था, उसको चोट लगी थी कहीं पे, उसको अस्पताल भर्ती कराते,